शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय चार। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय चार। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इसराइली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के दो जन थे जो दलों के प्रधान थे, एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामिनी रिम्मोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामिन के भाग में गिना जाता है। और बेरोती लोग गित्तैम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेशी होकर रहते हैं। शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातन का समाचार आया, तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। उस बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़े घाम के समय इशबोशेत के घर में आए, जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था, और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वे घर में घुसे और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सोता था, तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया, और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग से चले, और वे इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का ग्राहक था, उसके पुत्र इशबोशेत का यह सिर है। तो आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। दाऊद ने बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूं सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात करवाया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में बरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो वे अब अवश्य ही उसके खून का पलटा तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनकी लोथों को हेब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया।